वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बिजली घर में क्या क्या लगा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि बिजली उपकेंद्र पे क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि एक विद्युत उपकेंद्र में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, किस चीज़ को क्या कहते हैं। इसका हम जो है एक सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम बारीकी से बताएंगे, तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। ये आपके सामने जो है एक विद्युत उपकेंद्र का सिंगल लाइन डायग्राम दिख रहा है आपको। ये 132 केवी बटे 33 केवी पावर उपकेंद्र का यानी विद्युत उपकेंद्र का ये सिंगल लाइन डायग्राम है, जिसमें जो है सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी। ये इस तरह से ये 132 यानी 132,000 वोल्ट की लाइन इधर से आ रही है इस बिजली उपकेंद्र पे। तो सबसे पहले हम जो है शुरुआत यहीं से करेंगे। सारी लाइनें जो है सब में एक ही समान लगे हुए हैं, तो एक लाइन को हम लेकर के आपको चलते हैं। जैसे हमारी ये बी लाइन है, बी से हमें जो है बिजली मिल रही है, यानी बी से कोई एक अदर जो है विद्युत उपकेंद्र है या जहाँ बिजली पैदा होती है वहाँ से हम बिजली ले रहे हैं, उसका ये सिंबल बना होता है। यानी हम उस घर से बिजली ले रहे हैं, उस पावर हाउस से बिजली ले रहे हैं और हम उसको दे भी रहे हैं, यानी आवश्यकता पड़ने पर हम उसको भी देते हैं और उससे भी लेते हैं। यानी आदान प्रदान लेन देन जो है हर चीज़ में लगा रहता है, उसी तरह से विद्युत में भी जो है लेन देन लगा रहता है। जब उनकी ज़रूरत होगी उस क्षेत्र में, अगर बिजली की ज़रूरत होगी तो हम उसको देते हैं, हमारे क्षेत्र में आवश्यकता होगी तो हम उनसे लेते हैं। तो ये हमारा जो है तीर का निशान यही शो करता है। तो सबसे पहले हमारे जो है विद्युत उपकेंद्र पर, चाहे वो जनरेटिंग स्टेशन हो यानी बिजली जहाँ बनती है, या कोई सब स्टेशन हो यानी उपकेंद्र हो, वहाँ पे सबसे पहले हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह उपकरण भी लगाए जाते हैं। यानी जैसे देश की सेवा में हमारे जो है सिक्योरिटी लगे रहते हैं, उसी तरह से एक बिजली घर की सुरक्षा के लिए भी हमको इसी तरह से सुरक्षा उपकरण लगाने पड़ते हैं। अगर ये सब नहीं लगाए जाएंगे तो हमारा जो है बिजली घर चल नहीं पाएगा और बहुत ही नुकसान हो जाएगा, बहुत लॉसेस हो जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, यानी देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अंधेरे में चला जाएगा। तो इसको देखते हुए एक सिक्योरिटी अरेंज की जाती है। तो वही सबसे पहले जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है सिक्योरिटी का। तो किसी भी पावर हाउस पे सबसे पहले सिक्योरिटी के रूप में LA यानी लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का मतलब होता है जो हमारा ये जो दिख रहा है, ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का सिंगल लाइन डायग्राम सिंबल है, जो हमारे लाइन के सीधे पैरेलल में लगा होता है और उसका एक हिस्सा ग्राउंड होता है और ये कैपेसिटर की तरह आपको दिख रहा होगा। तो सेम कंडीशन होता है, LA जो है एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, ठीक है, और इसका एक हिस्सा जो है ग्राउंड होता है। ये सेमी कंडक्टर के बने हुए होते हैं सब, हाई वोल्टेज होने पे ये एक कंडक्टर की तरह काम करता है और जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक सर्ज होता है उसको ग्राउंड कर देता है। जैसे नाम से आपको लग रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर यानी आकाशीय बिजली को अरेस्ट करने वाला, आकाशीय बिजली जो होती है उससे हमारे विद्युत उपकेंद्र बिजली घर को बचाने के लिए सबसे पहले बिजली उपकेंद्र में या बिजली घर में लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो है मिलेगा लाइटनिंग अरेस्टर, जिसे हम संक्षेप में LA बोलते हैं, तो ये लगाया जाता है, ठीक है। यानी हमारा जो है
सबसे पहले पावर हाउस में एंट्री होते ही लाइन जो भी हमारी एंट्री होगी 2,20,000 की होगी, 4 लाख वोल्ट की होगी, 765,000 वोल्ट की होगी, जो भी लाइनें होंगी उनसे पहले, सबसे पहले जब हमारा एंट्री करेगा पावर हाउस में तो लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाएगा। इसके बाद ही और सारे ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं। तो हमारा हो गया लाइटनिंग अरेस्टर सबसे पहले। दूसरे नंबर पे हमारा आ गया, इसके बाद हमारे मेजरमेंट के ऑपरेटर लगाए जाएंगे, यानी वो उपकरण लगाए जाएंगे जो मेजरमेंट करें, यानी मापना मापे कि हम क्या ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पीटी लगाते हैं, यानी पीटी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पीटी। इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी ये बिगो ट्रांसफार्मर होता है एक तरह से। ये भी हमारा जो है पैरेलल में लगाया जाता है, जो हमारी लाइन आती है उसके पैरेलल में लगाया जाता है। ये देखिए सिंबल जो है ट्रांसफार्मर की तरह बना हुआ है। तो ये हमारा, और इसका सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ग्राउंड किया गया है। तो यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा एक होता है, उसे हम लगाते हैं। ये हमारा जो है कितनी वोल्ट, यानी लाखों वोल्ट हम बिजली ले रहे हैं, जैसे 1,32,000 ले रहे हैं या 2,20,000 वोल्ट ले रहे हैं या 4 लाख जो है वोल्ट ले रहे हैं। तो उसे डायरेक्ट हम नाप नहीं सकते हैं, डायरेक्ट नहीं नापते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है पीटी होता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं ग्राउंड कर देते हैं और उसी को हम मेजर करते हैं। यानी एक ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राइमरी में हाई वोल्टेज होता है और सेकेंडरी में लो वोल्टेज होता है। यहाँ पे हम जो है लो वोल्टेज, यानी अगर हम 1,32,000 प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में हमें कितना वोल्टेज चाहिए, वो 110 वोल्ट, यानी इसी टर्न रेशियो के हिसाब से हम जो है ये पीटी का निर्माण करते हैं और ये पीटी लगाते हैं। पीटी के बाद आ गया हमारा जो है, पीटी के बाद जो है सीटी आ गया, करंट ट्रांसफार्मर। जैसे हम एम्पियर मीटर जो है अपने घरों में या किसी सर्किट में हम जब लगाते हैं तो उसको सीरीज में लगाते हैं, यानी करंट। तो जैसे हम जो है सर्किट में करंट नापने के लिए जो हमारा उपकरण होता है धारा नापने का, यानी करंट नापने का, उसे हम सीरीज में लगाते हैं, तो वही प्रोसेस जो है यहाँ भी होगा। देखिए ये हमारी लाइन आ रही है, इसी लाइन के सीरीज में ही हमारा ये जो है करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। तो हर एक करंट ट्रांसफार्मर का एक रेशियो होता है कि वो कितने कैपेसिटी का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है करंट रेशियो क्या होगा, जैसे 100 एम्पियर प्रति 1 एम्पियर, यानी वो 100 एम्पियर को कितना नापेगा, 1 एम्पियर मापेगा। तो जैसे हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग थी, सेम तरह से करंट ट्रांसफार्मर में भी इसी तरह से 2 वाइंडिंग होगी, 2 वाइंडिंग या 3 वाइंडिंग भी हो सकती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है हमारा उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत लो वोल्टेज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इतनी करंट निकालेंगे, यानी हमारा जो करंट होगा अगर वो 100 एम्पियर करंट बह रहा है तो उसको हमारा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग 1 एम्पियर करंट में शो करेगा। तो इसी तरह से ये होता है, अगर मान लीजिए हमारा सीटी जो है 400/1 एम्पियर हो, तो 400 एम्पियर अगर इसमें धारा बहेगी तो हमारा जो छोटा उपकरण होगा, यानी हमारा जो सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें 1 एम्पियर करंट बहेगी। तो ये हमारा मेजरमेंट होता है। तो सबसे पहले हमारी लाइन पे क्या लगा, लाइटिंग अरेस्टर, इसके बाद हमारा जो है पीटी लगा पैरेलल में, और तीसरे नंबर पे आ गया सीटी जो सीरीज में लगाया गया। इसके बाद हमारा आ गया एलआई, एलआई मतलब लाइन आइसोलेटर। ये हम शॉर्ट में लिखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर पूरा नाम लिखने लगे तो काफ़ी जगह भर जाती है, तो इसलिए सिंगल लाइन डायग्राम में शॉर्ट में ही लिखा जाता है। तो LI मतलब ये हमारा है, यहाँ से ये LI लाइन आइसोलेटर, और इसका जो है एक हिस्सा हम क्या करते हैं ग्राउंड कर देते हैं। यानी लाइन पे अगर हमारा कभी भी काम कुछ करना होता है तो यहीं से लाइन आइसोलेटर से अलग कर देते हैं पूरे परिपथ को,
और यहाँ हम काम कर सकते हैं। तो ये आइसोलेटर मतलब अलग करने वाला, यानी हमारा आइसोलेटर जो है लाइन को बिजली घर से अलग कर देगा। वो हमारा लाइन पे जो लगता है उसको लाइन आइसोलेटर कहते हैं। सेम तरह से और भी बहुत सारे आइसोलेटर होते हैं, उनका नाम आपको आगे बताएंगे। तो ये हमारा हो गया लाइन आइसोलेटर। इसके बाद ये हमारा सिंबल आ गया ब्रेकर का। ये इस तरह से हमने जो है ब्रेकर का सिंबल दे रखा है। ये हमारा ब्रेकर है SF6 सर्किट ब्रेकर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, जो गैस होती है वो इस ब्रेकर में भरी होती है, इसीलिए इसको SF6 गैस प्रेशर यानी SF6 गैस प्रेशर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आजकल जो इस तरह से ब्रेकर्स आ रहे हैं वो SF6 पर आधारित ब्रेकर ही आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वही यहाँ पे जो है दर्शाया गया है और यही लगे हुए हैं इस पावर हाउस पे। तो हमारा जो है लाइन आइसोलेटर के बाद आ गया जो है सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर के दोनों ओर जो है आइसोलेटर्स होते हैं। ये हमारा लाइन आइसोलेटर है, तो ये लाइन पे लगा हुआ है, और ये जो है सर्किट ब्रेकर के दूसरी ओर बस आइसोलेटर, ये तो इसको हम बस आइसोलेटर कहते हैं। दोनों का सेम काम होता है, लाइन को आइसोलेट करना। लाइन आइसोलेटर में क्या होगा, अर्थिन भी लगी होती है, ये देखिए अर्थ किया गया है। बस आइसोलेटर में अर्थिन नहीं लगी होती है। और इसके बाद हमारा ये आ गया बस, यानी 1,32,000 यानी 132 KV मेन बस। ये हमारी मेन बस है, सिंगल लाइन डायग्राम में इसी तरह से एक लाइन में दिखाया गया है। ऐसे तो हमारी RYB 3 फेज की लाइनें होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक फेज की लाइन दिखाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है तीनों लाइनों को एक साथ करके दिखा देंगे। अभी यहाँ जो है सिंगल लाइन डायग्राम में आप देखिए। तो हमारा क्या हो गया कि सर्किट ब्रेकर के दोनों ओर लाइन आइसोलेटर हो गए, और ये हमारा अब आ गया बस पे। ये हमारा मेन बस हो गया। सीधे सीधे ABCDEF हमारे पास बहुत सारी लाइन है, 6-7 लाइन है, तो यहाँ हम एक पेज पे जो है पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जैसे बी लाइन में हमने बताया, वैसे ए लाइन में, बी लाइन में, सी लाइन में, सब लाइन में सेम है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे 132 KV मेन बस और 132 KV ट्रांसफर बस, दो बस होती है। यानी जैसे हम किसी भी काम करने के लिए कुछ जो जैसे मान लीजिए कि किसी भी काम करने के लिए हम जो है कुछ चीज़ें एडवांस में रखते हैं, यानी कोई भी ऑपरेटर्स अगर ख़राब हो जाता है तो उसके बदले दूसरी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं जिससे उस क्षेत्र में कोई भी चीज़ प्रभावित ना हो। जैसे कि ये हमारा बिजली की चीज़ें हैं, अगर एक मेन बस हमारी ख़राब हो गई तो हम जो है हर जगह सप्लाई, बिजली की सप्लाई कैसे करें, इसके लिए एक ऑक्सिलरी जो है सिस्टम हमारे पास होता है, जिसको हम एक ये ट्रांसफ़र बस बोलते हैं। यानी एक मेन बस होती है और एक ट्रांसफ़र बस। मेन बस में अगर समस्या कोई हो जाती है तो हम ट्रांसफ़र बस से अपना काम करते हैं, और सप्लाई बाधित नहीं होती है। यानी सप्लाई बाधित होगी तो बहुत सारे क्षेत्र में अंधेरा छा जाएगा, और बिजली की समस्या की वजह से जानते ही हैं क्या क्या होता है। यानी बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं, एक तरह से हमारा जीवन जो है बिजली पे ही ज़्यादा आधारित हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफ़र बस का यूज किया जाता है। तो हमारा जो है ट्रांसफ़र बस में, ये देखिए इस ट्रांसफ़र बस से ये कनेक्टेड है हमारा, ये यहाँ से और यहाँ आया, इसको TI लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टेंडम आइसोलेटर। यानी अगर मेन बस पे हमारी कोई समस्या हो गई तो हम ट्रांसफ़र बस को यहाँ से कनेक्ट करके और इस लाइन को चला सकते हैं। यानी बी लाइन हमारी मेन बस पे समस्या होने की वजह से हम सीधे TI के माध्यम से ट्रांसफ़र बस से हम जोड़ सकते हैं, इसे देखिए इस लाइन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक लाइन हमने बताया, सेम लाइन ABCD सब EF जो भी लाइन है हमारी है सब। अब देखिए ये हमारा 132 KV मेन बस और ये ट्रांसफ़र, इन दोनों को भी आपस में कनेक्टेड किया जाता है यहाँ से बस कपलर के द्वारा। ये देखिए ये मेन बस है, मेन बस को यहाँ ऐसे किया, ये एक आइसोलेटर लगा हुआ है BI बस आइसोलेटर, यहाँ भी बस आइसोलेटर लगा हुआ है, और
इसको जो है एक सर्किट ब्रेकर के द्वारा जोड़ा गया, यानी ये ट्रांसफर बस ये मेन बस दोनों को जोड़ने के लिए एक ये सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे दोनों एक ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर लगे होते हैं। यह हमेशा आपको ध्यान रहे कि ब्रेकर अगर है तो उसके दोनों साइड में आइसोलेटर लगे रहेंगे। जैसे हम घर में स्विच दबा देते हैं, स्विच को ऑन या ऑफ जो भी करते हैं, ऑफ कर दिया तो हम ये मानते हैं कि हमारी लाइन जो है बंद हो चुकी है। लेकिन जब हाई वोल्टेज होता है तो हम स्विच पे निर्भर नहीं रहते हैं, यानी स्विच तो ऑफ करते ही हैं लेकिन उस लाइन को वर्क करने के लिए, लाइन पे काम करने के लिए हमको आइसोलेट करना पड़ता है, ठीक है, जिसको आप जो है हो सकता है आप सुने हो कि शटडाउन व्यवस्था आपने सुना होगा, तो ये शटडाउन भी होता है इस तरह से, ठीक है। तो हम जो है कोई भी कार्य करने के लिए आइसोलेटर ओपन करते हैं, इसलिए सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, हमारा कोई भी लाइन हो, जैसे कोई भी लाइन हम ले रहे हैं, जैसे ए लाइन है, तो लाइन आए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे, दूसरे नंबर पे पीटी लगाएंगे, तीसरे नंबर पे सीटी, फिर लाइन आइसोलेटर लगाएंगे, फिर सर्किट ब्रेकर होगा, फिर बस आइसोलेटर होगा। और दो मेन बस होगी, एक मेन बस और एक ट्रांसफर बस, दोनों को जोड़ने के लिए TI का यूज करेंगे, टेंडम आइसोलेटर का, ठीक है। अब हम लाइन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम ट्रांसफार्मर से जोड़ रहे हैं इसको, तो ये हमारी लाइन आगे बढ़ी मेन बस से, ये हमारा ब्रेकर आ गया, मेन बस से लाइन आगे बढ़ी, ये हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया। इस ब्रेकर के दोनों साइड में देखिए एक एक आइसोलेटर लगे हुए हैं, BI बस आइसोलेटर, BI बस आइसोलेटर, क्योंकि यहाँ लाइन है नहीं तो लाइन आइसोलेटर नहीं लगेगा, बस आइसोलेटर लगेगा। तो सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में बस आइसोलेटर यहाँ लगा, बस आइसोलेटर यहाँ लग गया। अगर हमारी मेन बस पे कोई समस्या है तो हम जो है ट्रांसफर बस का यूज करेंगे और TI यानी टेंडम आइसोलेटर से यूज करके हम इस ट्रांसफार्मर को, जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको हम यूज में काम यानी वर्क में लाएंगे। तो हमारा क्या हुआ, मेन बस से एक 1,32,000 का जो ब्रेकर होगा उस ब्रेकर से कंट्रोल करेंगे, और ब्रेकर के दोनों साइड में बस आइसोलेटर एक और दोनों साइड में दो बस आइसोलेटर लगे होंगे। इसके बाद क्या होगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर आ गया, जैसे ये हमारा 3-phase ट्रांसफार्मर है तो यहाँ दो ही बाइंडिंग हम दिखा रहे हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी क्या है, 40 MVA 132/33 KV ट्रांसफार्मर फर्स्ट, इसका नाम हमने X दे दिया है। तो इस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड यानी जो भी हमारे पावरफुल पावर हाउस में पावरफुल महंगा सबसे जो उपकरण होते हैं वो उनको बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में LA को हम लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को। जैसे हमारा लाइन जो है सबसे पहले हमारी लाइन आ रही है तो लाइन को बचाने के लिए यानी पावर हाउस में एंट्री करते ही हमारा LA लगता है, इसी तरह से हमारे ट्रांसफार्मर के दोनों ओर लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाएंगे। दोनों ओर का मतलब है कि HB यानी हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड, तो सेम रेटिंग के होते हैं। हाई वोल्टेज साइड अगर लगेगा तो हाई वोल्टेज का LA रहेगा, लो वोल्टेज साइड लगेगा तो लो वोल्टेज का LA रहेगा। नाम तो लाइटनिंग अरेस्टर ही होगा लेकिन इसकी जो वोल्टेज होगा वो बढ़ जाएगा और घट जाएगा, यानी हाई वोल्टेज के साइड में जो LA हमारा बड़ा होगा, लो वोल्टेज के साइड में हमारा जो LA होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर से पहले क्या लग गया, CT करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये CT यहाँ लग गई है, इसके बाद हमारा जो है लाइटनिंग अरेस्टर, फिर हमारा ट्रांसफार्मर है, फिर से लाइटनिंग अरेस्टर एक लगेगा, फिर से एक CT लगेगी। ये दो दो CT ट्रांसफार्मर पे क्यों लगाई जा रही है, तो ट्रांसफार्मर हमारा जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, पहली बात।
तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, तो इसमें हमारी कम से कम दो बाइंडिंग होती है, प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग। तो प्राइमरी बाइंडिंग में वोल्टेज अलग होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग में वोल्टेज अलग होता है। प्राइमरी में करंट अलग होता है और सेकेंडरी में भी करंट अलग होता है, ये टर्न रेशियो के हिसाब से आपस में बटे होते हैं। इसीलिए हमारे ट्रांसफार्मर के दोनों साइड यानी HB साइड एक CT लगेगी और LB साइड भी एक CT लगेगी, ठीक है। तो CT के बाद हमारा क्या होगा कि एक ब्रेकर लगाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे हाई वोल्टेज यानी 1,32,000 साइड में SF6 सर्किट ब्रेकर लगा हुआ था, लेकिन लो वोल्टेज यानी 33,000 में ये हमारा ट्रांसफार्मर 132/33 यानी 1,00,000 प्राइमरी में वोल्टेज है और सेकेंडरी में 33,000 वोल्टेज है। तो हमारा जो यहाँ 33,000 में वोल्टेज ब्रेकर आ गया, ये हमारा ब्रेकर का सिंबल है, वो VCB है यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, VCB भी बोलते हैं इसे। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आ गया और इस ब्रेकर के बाद तुरंत एक BI है, बस आइसोलेटर। और जैसे हमारा ऊपर मेन बस और ट्रांसफर बस थे सेम कंडीशन में, यहाँ पे हमारा 33,000 में भी एक मेन बस होगा। यहाँ देखिए ये मेन बस 33 किलो वोल्ट, मेन बस 33 किलो वोल्ट, ट्रांसफर बस। तो इसी तरह से हमारा दो ट्रांसफर बस यहाँ पे भी होता है, एक मेन बस एक ट्रांसफर बस। यानी ऑक्सिलरी के रूप में हम जो है सहायक के रूप में एक बस को रखते हैं, एक बस पे ख़राबी हुई तो दूसरे बस से हम जो है अपना वर्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये हो गया ट्रांसफार्मर के दोनों साइड एक लाइटनिंग अरेस्टर, हाई वोल्टेज साइड में एक लो वोल्टेज साइड में। लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आकाशीय बिजली कभी हमारा जो है बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली ज़्यादा करके लोहे की चीज़ों पे गिरती है, तो हमारे अगर बिजली उपकेंद्र में आकाशीय बिजली गिरी तो ये हमारे ट्रांसफार्मर से पहले क्या होगा कि लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर गिर जाएगी और ये जो है हमारा वर्क कर देगा और उस आकाशीय बिजली के जो भी सर्ज होगा, जो भी हाई वोल्टेज होगा, उसको तुरंत ग्राउंड कर देगा यानी ज़मीन के अंदर भेज देगा, ठीक है। हमारा ग्राउंड का ये सिंबल बना हुआ है, यानी इसकी एक जो एक सिरा जो एक बाइंडिंग जो होती है, इसमें बाइंडिंग तो होती नहीं है, ये एक तरह से कुचालक का बनाया जाता है यानी सेमी कंडक्टर के बनाए जाते हैं सब। और ये जो ऐसा सेमी कंडक्टर होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जब आएगा तभी ये एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, और जैसे ही वोल्टेज ख़त्म होगा फिर से ये जो है नॉन कंडक्टिव मटेरियल के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है जो हाई वोल्टेज जब आ जाएगा यानी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है आकाशीय बिजली का, तो उस कंडीशन में ये अपने आप को एक कंडक्टर के रूप में यूज करेगा और सारे जो करंट होगी उसको ग्राउंड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमारा जो क्या आता है यहाँ पर, ये सीधे हम चलते हैं बस के बाद, ये हम यहाँ से बिजली गांव को दे रहे हैं, यानी गांव को, फैक्ट्री को या किसी उपकेंद्र को। तो ये हमारा पावर स्टेशन जो है 1,32,000/33,000 वोल्ट का है, तो यहाँ से हम किसी 33,000 वोल्ट के बिजली घर को हम बिजली देंगे या किसी मिल फैक्ट्री को देंगे, तो किसी को भी देंगे तो सेम कंडीशन होता है, सेम प्रोसेस होता है। तो ये एक एक ये बे बनी हुई है, यानी इसी तरह से हम बे बनाते हैं। जैसे एक बे हम ले लेते हैं, जैसे देखिए एक बे हमने ले लिया यहाँ पे, यहाँ से ये बस से चली, बस से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो हमारा बस आइसोलेटर आ जाएगा, BI बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर के बाद हमारा सर्किट ब्रेकर होगा VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, क्योंकि SF6 सर्किट ब्रेकर काफ़ी कॉस्टली होता है और वो हाई वोल्टेज वाले में ही यूज होता है। जब लो वोल्टेज में आ जाते हैं हम 33,000, 11,000 इस तरह से 66,000 वोल्टेज में जब हम आ जाते हैं तो हाँ VCB का यूज होता है, क्योंकि ये कास्टली नहीं होता है, थोड़ा SF6 से सस्ता होता है, इसलिए हम VCB का यूज करते हैं। तो हमारा ये सर्किट ब्रेकर आ गया, इसके एक साइड में बस आइसोलेटर है, दूसरे साइड में लाइन आइसोलेटर है। तो इससे हम इस सर्किट ब्रेकर से किसी
फैक्ट्री को हम कितनी बिजली दे रहे हैं इसके लिए, इसको मेजर करने के लिए हम एक करंट ट्रांसफार्मर इस लाइन पे लगाएंगे। यानी ये जो बे हमारी है, इसको हम बे बोलते हैं, यानी लाइन ये जो हमारी जा रही है किसी फैक्ट्री को या किसी बिजली घर को जा रही है, 33,000 वाले बिजली घर को जा रही है या किसी फैक्ट्री को जा रही है, तो उसको कितनी हम बिजली दे रहे हैं वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर यहाँ एक लगा देंगे, और इससे हमारा कितनी करंट हमने दिया, कितनी एनर्जी दिया उसको, ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एनर्जी के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एम्पियर और वोल्टेज दोनों चाहिए। तो वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, इस बस पे यानी 33 kV बस पे हम PT लगा देते हैं। ये हमारा 33 kV मेन बस है, यहाँ देखिए हमने PT लगा रखा है। तो यानी PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सारा हमारा पैरेलल में होता है, इसलिए वोल्टेज सब जो बे हैं जितनी भी बे होंगी सब पे वोल्टेज सेम होगा, इसलिए हमने सीधे मेन बस पे लगा रखा है एक PT। और यहीं से हम जो है आपको एनर्जी मीटर को जो होता है वो वोल्टेज दे देते हैं, और हर बे में एक एक CT लगी होती है। जैसे ये हमारी CT लगी हुई है, तो इस बे में कितनी एनर्जी जा रही है, CT से करंट मिल जाएगा और PT से हमारा जो है यानी मेन बस से जो PT लगी हुई है उससे वोल्टेज मिल जाएगा, तो हमारे एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि कैसे जो है एक पावर हाउस पे मेन बिजली आती है और हम जो है किसी बिजली को फैक्ट्री में या किसी उपकेंद्र को सप्लाई करते हैं, इसका एक सिंगल लाइन डायग्राम संक्षेप में आपको बता दिया गया है, और विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। तो इसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जितना भी हमारे पावर हाउस पे जो लगा हुआ है उसको हमने आपको बता दिया है। और देखिए यहाँ पे जो है 132,000 मेन बस को जोड़ने के लिए बस कपलर का यूज किया गया है। तो सेम कंडीशन में हमारा 33 kV मेन बस और 33 kV ट्रांसफर बस को जोड़ने के लिए भी यहाँ पे एक बस कपलर का यूज करते हैं। बस कपलर देखिए यहाँ पे ये जोड़ा गया है, ये सर्किट ब्रेकर है और यहाँ पे एक CT भी लगाई जाती है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ CT लग गया है और ये बस आइसोलेटर ये दो दो हमारे आइसोलेटर दोनों साइड होते हैं, क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर है, BCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो इसके दोनों साइड में हमारा एक एक आइसोलेटर लगेगा। ठीक है, और एक CT भी यहाँ लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है देखिए लाइन पे हमारा 33,000 की लाइन जो है इस पर भी हमारा LL लगे हुए हैं सब, लाइटनिंग अरेस्टर दोनों साइड में, ये देखिए लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ लगाया गया है और PT यहाँ भी लगी हुई है। ये हमारा जो है इसको दो भागों में सेक्शन आइसोलेटर के रूप में बांट दी, क्योंकि यहाँ पे दो दो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, कभी एक ट्रांसफार्मर में ख़राबी हुई तो यहाँ से हम जो है उस ट्रांसफार्मर को अलग कर देते हैं। बस आइसोलेटर, ये बस सेक्शन आइसोलेटर, यहाँ से ये हमारा आइसोलेटर का सिंबल होता है, किसी भी लाइन को आइसोलेट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा संक्षेप में आपको जो है हमने बता दिया है कि किस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, पूरा फुल आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें सिंगल लाइन डायग्राम नहीं होगा, उसमें RYB यानी तीनों फेस होंगे और क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं क्रमबद्ध जो है तरीके से। यहाँ तो आपको सिंबल में दिखा देगा, वहाँ सिंबल में नहीं दिखाएंगे, सीधे सीधे आपको दिखाया जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है। ठीक है, और आपको जो भी और भी सूचना जो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।